मैं आज सभी आसाम के एनसी कैंडिडेटों को पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ आप लोग उस दिन आसाम के रीजनल ऑफिस में गया था, क्या रिस्पांस मिला है आप लोगों को? आप लोग क्यों ये सीधा बात नहीं समझते? ये लोग बच्चे हैं, बाप तो वहाँ पे बैठे हुए ना, तो बच्चों के पास जाने से क्या फ़ायदा होगा? उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, हम लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, बार बार गुवाहाटी रीजनल ऑफिस जाने से हम लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, क्यों आप लोग नहीं समझते हैं? सिर्फ आसाम से आसाम के कैंडिडेटों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया का सभी रीजनल ऑफिस, जो लोग रीजनल ऑफिस जाते हो अपना अपना स्टेट का, सभी एनसी कैंडिडेट को मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या फ़ायदा हुआ है आज तक? हम लोग तो 2-3 साल से ही तो हम लोग जा रहे हैं सभी रीजनल ऑफिस, जाने से हम लोगों का फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ फ़ायदा नहीं होगा अगर हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग इकट्ठा हुए, आप सब लोग इकट्ठा हुए होने के बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली इस मकसद लेके जाएंगे कि खाली हाथ लौटने के लिए नहीं, हम लोगों का एनसी जो सर्टिफिकेट है, जो एनसी सर्टिफिकेट से डीएलएड सर्टिफिकेट से एनसी हटा के इसके बाद ही हम लोग घर लौटेंगे। हम लोग तो ऐसे ही मर चुके हैं ना, तो डीएलएड का सर्टिफिकेट जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग वहाँ पे रहेंगे, चाहे जान भी चले जाए। ये बात आप लोग दिमाग में ले लो, ये बात आप लोग दिमाग में ले लो, क्योंकि हम लोगों का डीएलएड सर्टिफिकेट मिलने के लिए एक ही रास्ता है, दिल्ली। हम लोग रीजनल ऑफिस जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, हम लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ जाके 10-15 हज़ार कैंडिडेट को लेके जाना पड़ेगा ऑल ओवर इंडिया से, तभी काम बनेगा। हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, बार बार रीजनल ऑफिस जाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो लोग बच्चे हैं, वो लोग को गवर्नमेंट सर्विस करते, उन लोगों के पास कुछ पावर नहीं है, उन लोगों का पास कोई भी पावर नहीं है, ये हम जानते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। तो क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हो? बार बार आप लोग रीजनल ऑफिस जा रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। सभी एक साथ होकर दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली नहीं जाऊंगा तो हम लोगों का ये एनसी सर्टिफिकेट कभी नहीं हटेगा सर्टिफिकेट से। तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग दिल्ली चलिए, मेरे साथ चलिए, सो प्लीज़ कोऑपरेट मी। इस रीजनल ऑफिस का चक्कर मत लगाओ, इस रीजनल ऑफिस जाने से आप लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है।